मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइएगा, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 10 लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कुरान पाक की आयतों के हवाले से बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, कहीं आप तो इन 10 लोगों में से तो नहीं है। पूरी वीडियो को आप देखिएगा, सबका जिक्र मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। 10 ऐसे कौन से लोग कुरान पाक ने बयान किए हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब आइएगा, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, फसाद फैलाने वाला। फसाद, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो खून रेजी करे, बंदूक वगैरह चलाए, तलवारें चलाए, इसे ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कहीं से बात सुनी और दूसरी जगह जाकर के कह दी और आपस में दंगा करा दिया, आपस में लड़ाई झगड़ा करा दिया, तो ये होता है फसाद। तो जो लोग फसाद फैलाने का काम करते हैं, जो शख्स भी फसाद फैलाता है, तो अल्लाह तबारक का बताला ऐसे फसादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन। फसाद फैलाने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, जुल्म करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला को जुल्म करने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटा करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अमीर हैं थोड़े से, या बहुत बड़े सेठ हैं, तो वो गरीबों पर जुल्म करते हैं, या कोई मजदूर उनके यहाँ पर काम करने के लिए आया तो उस पर जुल्म करते हैं, उसकी हैसियत से ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा उससे काम लेते हैं। और बहुत सारे लोग वो हैं जो जानवरों पर जुल्म करते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो होते हैं जो जानवरों से, जैसे ईंटें वगैरह ढो रहे हैं या बहुत सारा सामान लेकर के जाते हैं, और अगर जानवर कमजोर पड़ जाता है, उससे अगर नहीं भागा जाता है, तो पीछे से उसको तकलीफ देते हैं, मारते हैं, तो ये भी जानवर के ऊपर जुल्म करना हो गया। कोई किसी भी मखलूक पर जुल्म करे, चाहे इंसान इंसान पर करे या इंसान किसी जानवर पर करे, अगर वो जुल्म है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म करने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है। नंबर 3, हद से तजावुज करने वाला। हद से तजावुज करने वाला, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। हद से तजावुज करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी, आपको बॉडी दी, आपको माल दिया, और आप अपनी हैसियत से ज्यादा, आप जो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है ना, यानी शरीयत के दायरे में रहकर के आप काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीयत से आके आप तजावुज कर जा रहे हैं। मतलब ये है कि शरीयत के दायरे से आप बाहर निकल जा रहे हैं, जो शरीयत का दायरा है आप उससे निकल करके काम कर रहे हैं। आपके पास दौलत है, आपके घर के अंदर कोई खुशी हुई या शादी हुई, तो आप जो है रंडी वगैरह अपने घर में नचा रहे हैं, डीजे वगैरह बजा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे काम जो करने के नहीं है, जो शरीयत में जायज नहीं है, वो तुम शरीयत के अंदर, मतलब जो शरीयत में जायज नहीं है, वो तुम उसे अपने घर के अंदर कर रहे हो, तो इसे कहते हैं हद से तजावुज करने वाला, हद से बढ़ने वाला। या बातों बातों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तो सामने वाला बंदा कहता है कि भाई ज्यादा आगे मत बढ़, अगर आगे बढ़ेगा तो मार खा जाएगा। तो तजावुज करने का मतलब यही होता है कि हद से ज्यादा बढ़ना। नंबर 4, तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर करने वाले के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मा काना मुख्तालन फखूरा। तकब्बुर, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को खूबसूरत बना दिया तो वो उसी पर अपने आप को जो है उस पर तकब्बुर करने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को खूब मालो दौलत दे दी तो उसी अपनी मालो दौलत पर तकब्बुर कर रहा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को अच्छी बॉडी दे दी तो वो अपनी बॉडी के ऊपर तकब्बुर कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज, मेरे प्यारे भाई, इस दुनिया के अंदर किसी का तकब्बुर ना चला। आपने देखा होगा जब अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम का पुतला मुबारक बनाया था, तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, के फरिश्तों जाओ हजरत आदम के पुतले मुबारक को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इबलीस ने अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और काफिरों में से हो गया। उसने तकब्बुर ये किया था कि हजरत आदम तो मिट्टी से बनाए गए और मैं आग से पैदा हूं, और आग जो है मिट्टी से ज्यादा ताकतवर होती है, तो उसने यही अपने मन में गुमान किया, तकब्बुर किया, लेकिन वो तकब्बुर उसका ना चला, उसे जन्नत से निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसके गले में लानत का हमेशा के लिए तोड़ डाल दिया। तो तकब्बुर देखिएगा, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, हारून ने ये क्या बोलते हैं, नमरूद का तकब्बुर ना चला, फिरौन का तकब्बुर ना चला, हामान का तकब्बुर ना चला, शद्दाद का तकब्बुर ना चला, इन लोगों ने, कारून को इतना खजाना मिला उसने तकब्बुर किया, ये सब कहां गए, कि किसी का तकब्बुर ना चला। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तकब्बुर से आप बचिएगा, हर वक्त तौबा इस्तगफार करते रहिएगा, अगर अल्लाह ने आपको कोई चीज दी है, कोई नेमत दी है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिएगा, फिर आप तकब्बुर से बचे रहेंगे। नंबर 5, इसराफ करने वाला, इसराफ करने वाला, इसके ताल्लुक से अल्लाह तबारा का बताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के इसराफ करने वाला अल्लाह तबारा का बताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? जो फजूल खर्ची करते हैं, जो चीज, जो काम आपका मान लीजिएगा 10,000 में हो सकता है, तो आप वो सीधा 50,000 में कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, फजूल खर्ची आप कर रहे हैं, तो हर मामले में जो फजूल खर्ची करता है, इसराफ, जैसे मान लीजिएगा आप पानी है आपके घर में, तो समर सेबिल लगा हुआ है, तो भाई लाइट आ रही है, समर सेबिल चल रहा और बिला वजह पानी बह रहा है, तो ये भी फजूल खर्ची है, या मोटर चल रही है बिला वजह पानी बह रहा है, तो ये भी फजूल खर्ची है। तो हर मामले में फजूल खर्ची करने वाला ये अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 6, अमानत में खयानत करने वाला, जो शख्स अमानत में खयानत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ताल्लुक से कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मा काना खवानन असीमा, कि जो बंदा किसी के माल में या किसी कोई भी चीज हो, अगर किसी ने कोई रुपया पैसा माल दौलत कोई भी सामान किसी को अमानत के तौर पर रखा और उसने उसमें खयानत कर दी, उसे उठा लिया, खर्च कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो ये हो जाती है अमानत में खयानत करना, या कोई बात किसी को बता दी कि भाई ये बात मैं आपके पास अमानत रखता हूं, कोई वसीयत वगैरह में ये आपके पास अमानत रखता हूं, तो इसमें कोई भी चीज अमानत हो सकती है, अमानत में खयानत आपको नहीं करना है, अल्लाह खयानत करने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है। नंबर 7, वादा खिलाफी, बदअहदी करने वाला, वादा खिलाफी करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शख्स को भी पसंद नहीं करता है। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल खाइनीन, कि जो ये वादा खिलाफी करते हैं अल्लाह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब हिसाब आपको लगाना है कि आपने किसी से वादा किया, किसी से रुपया पैसा लिया और आपने कहा कि मैं एक महीने में दे दूंगा, और आप उसे टहला रहे हैं कि भाई उस पे उसे जो है डेट पे डेट दे जा रहे हैं कि अगले महीने में दे दूंगा, फला महीने की उस तारीख में दे दूंगा, तो ये हो जाता है वादा खिलाफी करना। आपको किसी ने बुलाया और आपने कहा अभी 10 मिनट में आ रहा हूं, और आप पहुंचे वहां 2 घंटे के बाद, तो ये वादा खिलाफी हो गई। तो बात बात में वादा खिलाफी करना, ऐसे लोगों को अल्लाह बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है। नंबर 8, घमंड करने वाला, इसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला घमंड करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा जब आपस में बहुत सारे लोग बैठ के बातें करते हैं, तो कहते हैं यार उसे दौलत क्या मिल गई, उसे गाड़ी क्या मिल गई, उसे ये कोई भी चीज अगर मिल जाती है, तो जब से उसे घमंड आ गया, उसे बड़ा तकब्बुर आ गया, अब तो वो बोलना पसंद नहीं करता है, अब तो वो किसी को सलाम करना पसंद नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा घमंड में रहता है। तो जो लोग घमंड करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। नंबर 9, ना शुक्री करने वाला और गुनाहों पर गुनाह करने वाला, इसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन नसीम, जो नाशुक्री करता है और गुनाह ज्यादा करता है। देखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको कोई नेमत से नवाजा, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी नाशुक्री ना करें।
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम जितना मेरा शुक्र अदा करोगे उतना मैं तुम्हें ज्यादा देता रहूंगा। नाशुक्री का मतलब ये होता है कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, फिर भी आप उसकी नाशुक्री कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और खासकर ज्यादातर औरतें ज्यादा करती हैं, उसके पास अगर 3-4-5 जोड़ी कपड़े भी है ना, तो फिर भी वो शोहर से कहती है कि क्या बना के दिया, मेरे पास तो कपड़े हैं ही नहीं। तो ये नाशुक्री हो गई। अगर अच्छा खिला रहा है, कहाँ खिलाते हो तुम मुझे, वो ही खा रहे हैं हम रोजाना, कभी ये गोश्त वगैरह तो लाती नहीं हो। तो अगर इस तरह का अगर कोई नाशुक्री करती है कोई औरत या कोई भी शख्स करता है, तो इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है। जितना भी दिया है अल्लाह ने, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह बहुत खुश होता है और उस पर ज्यादा अता फरमाता है। नंबर 10, इतराने वाला। इतराने वाले के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि जो इतरा कर चलते हैं, अदा में चलते हैं और ये क्या बोलते हैं, कंधे फुला के चलते हैं, इसे कहते हैं इतरा करके चलना। आपने देखा होगा, कहते नहीं है कि यार देखो कितनी इतरा के चल रहा है, इसे ये चीज क्या मिल गई, बड़ी इतरा करके चलने लगा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये 10 लोगों की निशानियां मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप में से कोई एक निशानी भी इसमें से पाई जा रही है, तो खुदा के लिए आज ही ये इस आदत को, अपनी आदत को बदल देना। तकब्बुर नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, किसी पर जुल्म नहीं करना, फसाद नहीं फैलाना है, किसी की अमानत में खयानत नहीं करना है, किसी की वादा खिलाफी नहीं करना है। तो इन सब चीजों को आपको छोड़ देना है, क्योंकि अल्लाह तबारा का बताला इन 10 लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसे देख करके इबरत हासिल करें और इससे सबक हासिल करें, ताकि वो आगे दूसरे लोगों को धोखा ना दें, फसाद ना करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।